हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा है तो आज मैं भी घर पर बस रिलैक्स कर रहा हूँ। बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ी सी बातें की जाए, क्योंकि खासकर जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन सभी लोगों के लिए है जो कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा कि कौन सा ऑपरेटर हम यूज़ करें, चाहे एयरटेल है या वोडाफोन है, आइडिया है, जियो है, बहुत सारे हैं, लेकिन डिसाइड करना काफ़ी टफ है। किसी को लगता है मैं जियो यूज़ करूं, किसी को लगता है मैं एयरटेल यूज़ करूं, किसी को लगता है मैं वोडा, किसी को आइडिया। सो खैर ये परेशानी शायद आपकी इस वीडियो में दूर हो जाए। सो दोस्तों मैं बस इतना ही कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए और आपको लगे हाँ वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो हमारे काम की है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो दोस्तों मैं आपसे बस यही शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है या आइडिया है, और आप उसे पोर्ट करना चाहते हैं दूसरे ऑपरेटर पे जो आपको लगता है काफ़ी सस्ता है, सो दोस्तों एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जो भी ऑपरेटर हो सबसे पहले चेक करें कि क्या आपके यहाँ जहाँ आपका घर है या जहाँ आप ज़्यादा समय बिताते हैं वहाँ नेटवर्क कवरेज कैसी है। अगर नेटवर्क कवरेज अच्छी है तब आप उस ऑपरेटर पर बने रहें। अगर आपको लगता है नेटवर्क कवरेज बेकार है लेकिन आपको पसंद है कोई और ऑपरेटर, कहूँ तो जियो या आइडिया या वोडाफोन या कोई भी, और आप वो लेना चाहते हैं तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर नेटवर्क नहीं है तो जो भी ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितनी भी कंपनियाँ हैं, इन्होंने अपने रेट्स ऑलमोस्ट सेम रखे हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब ने अपने रेट्स को, प्लान्स को रिवाइज़ किया है। सो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी ऑपरेटर आप यूज़ करें, क्योंकि नेटवर्क है तभी आप उस फ़ोन को, उस इंटरनेट को ठीक से यूज़ कर पाएंगे, कॉलिंग कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो बेकार है। सो दोस्तों इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सो टिल देन गुड बाय, और ठंड का मौसम है तो अपने आप को फुली पैक रखिए, क्योंकि ये जो ठंड है बीमार भी कर सकती है आप लोगों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, हैव अ वंडरफुल डे।